जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एक्सेल अपने पावरफुल फार्मूले के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये हर लैपटॉप में आपको मिल जाते हैं, अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके ऐसे जैसे फार्मूले हैं जिसे आप बहुत सारे लोग बहुत फार्मूले आप जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं दोस्तों जिसको आप जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों आज के डेट में, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फार्मूले के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है अरे। दोस्तों ये एक्चुअली फार्मूला जो होता है, इसको मैं फार्मूला नहीं कहूँगा, इसको एक्चुअली एक फंक्शन है जो कि बाकी फार्मूला के साथ मिल करके उस फार्मूले को जो था और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। तो दोस्तों ये कैसे काम करता है और इसका कैसे कैसे यूज़ होता है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए चलिए कुछ एक नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अरे को समझने के लिए आपके लिए मैंने एक छोटा सा जो होता है डाटा तैयार किया हुआ है। तो जो होता है आइए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों मैं ये कहूँ कि आपके पास, जैसे ये मेरा जो डेमो है इसमें मैंने एक जो होता है शॉप का नाम रखा हुआ है राजबुक डिपो, और उन्होंने जो होता है ये सारे आइटम जो होता है सेल किया है। तो आपको ये बताना है कि जैसे कि आपने अभी तक जो होता है अभी तक कितने अमाउंट का जो होता है अपने इन बुक को सेल कर दिया। तो आप क्या करेंगे आप भाई, नॉर्मल तरीका आपको पता है कि आप जो होता है मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके फिर उसका सम कर लेंगे। तो पहले आप उन लोगों को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जिनको नहीं मालूम है तो मल्टीप्लाई करना और सम करना। तो आप क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे सीधे जाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेते हैं और उसके बाद जो होता है सेलेक्ट कर लेते हैं अपने माउस से ही जो होता है C6, और आपके कीबोर्ड से ही जो न्यूमेरिक जो बटन है उसके ऊपर में स्टार का साइन है उसको जो होता है क्लिक कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद जो होता है आप फिर जो होता है नेक्स्ट सेल को जो होता है सेलेक्ट कर लेते हैं D6, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। और उसको जो होता है आप जो होता है चाहे एक एक सेल करके ये पूरा फार्मूला लगाइए, या तो सिर्फ जो होता है ये देखिए इस समय जो होता है प्लस का जो निशान आ गया है उसी पर जो होता है डबल क्लिक कर देने से ये सारा जो होता है सेल जो होता है सेलेक्ट हो गया, मैंने सारे फार्मूले पूरे सेल में अप्लाई हो गए हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है पूरे सेल में ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया था, पूछा था भाई कि आपने अभी तक कितना अमाउंट का जो होता है बुक सेल कर दिया है, तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दिए हैं और इसका जो होता है सम कर लेंगे। तो आप यहाँ से सम कैसे कर सकते हैं, एक्सेल में ऑटो सम का ऑप्शन है, आप उसको जो होता है क्लिक कर लेने से पूरे सेल का ऑटो सम हो गया और ये देखिए आपका पूरा जो है अमाउंट आ गए 44,895 रुपये। तो इस तरीके से आपने बताया कि भाई 44,895 रुपये का अभी तक मैंने सेल किया है। ये इतना मल्टीप्लाई किया उसके बाद जो होता है सब कुछ चेंज जो होता है, फिर उसके बाद सम किया, फिर उसके बाद जो है आपने ये चीज़ निकाली। तो अब यही काम अगर आपको जो होता है अरे से करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये सारे काम आप 2 सेकेंड में जो होता है ये सब कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अरे से ये चीज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अरे जो होता है यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों कि अरे जो होता है सिंगल सेल और मल्टीपल सेल दोनों में ही काम करता है। तो पहले मैं आपको जो होता है सिंगल सेल में लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको मल्टीपल सेल में कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने अभी आपसे पूछा ही था कि आपको टोटल अमाउंट बतानी है, तो आपने यहाँ पहले किया मल्टीप्लाई किया सम किया, मैं आप कुछ नहीं करूँगा डायरेक्ट जो है फार्मूला टाइप कर दूंगा और ये सब कुछ जो होता है मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और आठ सम वगैरह हो करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो आप फिर जो होता है जैसे आप फार्मूला मतलब जिस तरीके से आप लगाते हैं पहले वो करेंगे, इज इक्वल टू सम, ये देखिए सम ब्रैकेट ओपन, और आपको ये पूरा जो होता है रेंज जो है सेलेक्ट कर लेनी है पीसेस की, ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन कर देना है, जो मैंने आपको बताया कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर स्टार बटन है वहाँ से आप क्लिक कर लीजिए और ये मल्टीप्लाई का साइन है। उसके बाद जो होता है ये नेक्स्ट सेल जो है आपको जिससे मल्टीप्लाई कराना है उसको जो होता है सेलेक्ट कर लेना है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। और नॉर्मल जैसे आप जो है फार्मूला लगाते हैं सेम उसी तरह से लगाने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब आपको करना क्या है, अब आपको लगाना है अरे फंक्शन। अरे फंक्शन को लगाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर लगा देनी है। देखिए दोस्तों ये फिर आ गया आपका टोटल अमाउंट, कंट्रोल शिफ्ट इंटर ये लगा देने से आपका जो है अरे फंक्शन पूरा लग जाएगा। ये चीज़ आप फार्मूला बार में भी देख सकते हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा था इज इक्वल टू सम ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें मैंने लगाई थी और लास्ट में यहाँ देखिए एंड में कर्ली ब्रैकेट इस साइड में भी लगा हुआ है
और इस साइड में भी लगा हुआ है। ये चीज़ जो होता है बता रहा है कि आपका जो होता है पूरे फार्मूला पे अरे फंक्शन जो होता है लग गया है और ये इस तरह से रिजल्ट भी आ गया है। ये कर्ली ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक आते हैं दोस्तों, इसको आपको अपने से लगा नहीं सकते हैं, और अपने से लगाएंगे तो ये फार्मूला काम भी नहीं करेगा। तो अब हो गया ये दोस्तों, इस तरह से आप सिंगल सेल में आप लगाएं। अब मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल सेल में आप इसको कैसे लगाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल सेल में कैसे लगाएंगे। इसके लिए आपको जो होता है मान लीजिए आपको टोटल जो होता है यहाँ पर निकालना है, आपको मल्टीप्लाई करना है भाई। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको इसके जो होता है अरे फंक्शन की मदद से। इसके लिए आप जो होता है पूरे सेल जहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है उस सेल को पूरा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फार्मूला बार में टाइप करना है, मैं बता रहा हूँ क्या टाइप करना है, इक्वल टू आपको सम मल्टीप्लाई करानी है। तो इसके लिए आप जो होता है इस पूरे सेल को जो होता है सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे सेल का ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप इस सेल को पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई का जो होता है सिंबल लगा दीजिए, फिर नेक्स्ट सेल को जो होता है पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ये रहा दोस्तों, अब करना क्या है फिर बस वही कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और फिर इंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपके पूरे सेल में एक ही बार में पूरा फार्मूला लग गया, आपको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।